उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कोरोना वैक्सीन का आज ड्राई रन किया जा रहा है। इसी क्रम में रायबरेली के जिला अधिकारी वैभव श्रीवास्तव पहुंचे थे आईएमए भवन, जहां पे उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को देखा। जिला अधिकारी वैभव श्रीवास्तव आज पहुंचे थे आईएमए भवन और उन्होंने वहां का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य कर्मचारियों से बातचीत की। हम आपको बता दें कि रायबरेली में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन आज किया गया, जिसमें 6 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से रायबरेली शहर में 3 केंद्र हैं। सबसे पहला आईएमए भवन, दूसरा जिला अस्पताल में महिला एवं पुरुष वार्ड, और इसी क्रम में अलग अलग 6 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 72 स्वास्थ्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। जिला अधिकारी वैभव श्रीवास्तव स्वयं मौके पर जाके आज आईएमए भवन पहुंचे और वहां का निरीक्षण किया, वहां के लोगों से बातचीत की। हम आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर आज रायबरेली में ड्राई रन किया गया था और पूरी तैयारी कर ली गई है। इसी क्रम में रायबरेली के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव आज पहुंचे थे आईएमए भवन। इस मौके पर प्रमुख तौर पर उनके साथ में सीडीओ अभिषेक गोयल, डॉक्टर मनीष त्रिवेदी सचिव आईएमए, डॉक्टर ब्रजेश सिंह, डॉक्टर मनीष सिंह चौहान, डॉक्टर के एस सिंह समेत तमाम लोग रहे मौजूद। S7 की डेस्क रिपोर्ट।